अस्सलाम आज क्लास नहीं आनी? होनी है लेकिन 11 बजे क्लास है। ओके
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम सर। बेटा सबको मेरी आवाज ठीक आ रही है? चले 5 मिनट वेट करते हैं बाकी स्टूडेंट्स का, फिर क्लास शुरू करते हैं। सर रमजान टाइमिंग के अकॉर्डिंग तो क्लास 12 बजे नहीं थी होनी आज? ट्यूजडे को लास्ट टाइम तो जो क्लास हुई थी वो 12 बजे नहीं हुई थी? बेटा ट्यूसडे की टाइमिंग आपकी 12 बजे की है और फ्राइडे की टाइमिंग आपकी 11 बजे की है। आपने अफनान की ईमेल देखी थी? यस सर। ये देखें, रमजान टाइमिंग्स फिफ्थ स्लॉट के लिए 12 बजे हैं थ्रू आउट द वीक, और फ्राइडे को आपकी फिफ्थ स्लॉट बनती है 11 बजे। ठीक है। यस सर। चलिए बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं। आपने आप सबने पिछला लेक्चर पढ़ा था? पूरा नहीं, थोड़ा सा। अच्छा, आपने पढ़े थे कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई कैसे होते हैं, आपका कलर कैसा होता है? हाँ
यस सर। कैसा होता है ग्रैंड पॉजिटिव का? क्रिस्टल क्रिस्टल वायलेट ब्लू और पर्पल। और ग्रैम नेगेटिव का? रेड और पिंक। कोकाई कैसे होते हैं और डॉट्स कैसे होते हैं? कोकाई स्फेरिकल होते हैं, राउंड होते हैं, और डॉट्स होते हैं वो रॉड शेप होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलें आज का हम शुरू करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव कोकाई। जैसे कि आदिल ने अभी बताया कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई, हमारे पास ग्राम पॉजिटिव मतलब कि हमारे पास माइक्रोस्कोप पे जब ऑब्जर्व करेंगे दे विल बी क्रिस्टल वायलेट ब्लू और पर्पल, और कोकाई का मतलब है दे आर स्मॉल स्फेरिकल बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव कोकाई में हमारे पास दो मेडिकली इम्पोर्टेंट जॉनर आते हैं, वो कौन से हैं? स्टेफलोकोकस हैं और स्ट्रेप्टोकोकस हैं। इनमें आगे फर्दर बैक्टीरिया की डिफरेंट स्पीशीज हैं जो कि हम अगले लेक्चर्स में डिटेल्स में कवर करेंगे। आज हम कवर करेंगे स्टेफलोकोकस ऑरियस को, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्टेफलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस में क्या डिफरेंस होता है। बेटा जो स्टेफलोकोकस होता है, स्टेफलोकोकस इज ऑलवेज कैटालेज़ पॉजिटिव एंड स्ट्रेप्टोकोकस इज ऑलवेज कैटालेज़ नेगेटिव। अब इसका मतलब क्या है? जितने भी हमारे पास स्टेफलोकोकस की स्पीशीज हैं वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं, उसे कहते हैं कैटालेज। और जब हम स्टेफलोकोकस बैक्टीरिया की किसी भी स्पीशीज को ग्रो करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो वो कैटालेज एंजाइम हाइड्रोजन परऑक्साइड को ब्रेक डाउन करेगा इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की भी वहाँ पर बबलिंग होगी, जिसे इसको हम कहते हैं कि इसमें कैटालेज टेस्ट पॉजिटिव है। And catalyst test will always be positive in staphylococcus, but it will always be negative in streptococcus. सबको इस पॉइंट की समझ आई? Staphylococcus or streptococcus? सर आज आप स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे? बेटा आई एम सो सॉरी, मेरा तो ख्याल था कि मैं स्क्रीन शेयर कर चुका हूँ, आई फॉरगॉट टू शेयर। आप सबको नजर आ रही है स्क्रीन? जी सर अब आई है। आदिल आप पूछ रहे थे कि स्टेफलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस में क्या फर्क है? नहीं सर, मैं पूछ रहा था कि स्टेफलोकोकस और स्टेफलोकोकस दोनों के नाम है ना? नहीं आपको मैं ना दिखा देता हूँ, फिर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। This is staphylococcus, ठीक है, and this is streptococcus. Okay. ठीक है, जो हमारे पास staphylococcus है, जो यहाँ पे red में लिखा है, they will always be catalase positive. और जो हमारे पास streptococcus है, they will always be catalase negative. Catalase एक enzyme है जो कि hydrogen peroxide को break down करता है into water and oxygen. ठीक है। अब इन दोनों जॉनराज को हम माइक्रोस्कोपिकली भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बायोकेमिकली भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिकली जो हमारे पास स्टेफिलोकोकस होंगे दे विल ऑलवेज अपीयर एज ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन क्लस्टर्स, इन ग्रेप लाइक क्लस्टर्स, ठीक है, जबकि हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकाई होंगे दे विल ऑलवेज बी इन चेन्स। इस तरह से हम इनको माइक्रोस्कोप पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो हमारे पास स्टेफिलोकोकाई हैं दे विल प्रोड्यूस कैटालेज दैट इज दे degrade hydrogen peroxide, whereas streptococci do not degrade hydrogen peroxide. Staphylococcus word is derived from a Greek staphyl, which means a bunch of grape. They range in size from 0.5 to 1.5 micrometer. वो non-motile होते हैं और हमारे पास skin के infections, उसके अलावा दूसरी infections cause कर सकते हैं। Sorry, beta, for the disturbance again.
ऐसे जैसे कि मैं हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास दो मेडिकली इम्पोर्टेंट जॉनरा हैं, स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। जो हमारे पास स्टेफाइलोकोकस है, दे आर कैटलेज पॉजिटिव एंड दे आर ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन क्लस्टर्स, ठीक है। जो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस हैं, दे आर ऑलवेज कैटलेज नेगेटिव एंड दे विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ चेन्स। ये हमारे पास हिस्टोलॉजिकल पिक्चर है स्टेफाइलोकोकस की। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्रिस्टल वायलेट कलर में है एंड दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स। तो ये हमारे पास स्टेफाइलोकोकस है। बेटा अभी तक सबको समझ आ रही है? ठीक है। अब ठीक है, स्टेफाइलोकोकस में हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं जो कि माइक्रो में पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है स्टेफलोकोकस ऑरियस, फिर स्टेफलोकोकस एपिडर्माइडस और फिर स्टेफलोकोकस सेप्रोफिटिकस। स्टेफलोकोकस ऑरियस हम आज पढ़ेंगे और स्टेफलोकोकस एपिडर्माइडस और सेप्रोफिटिकस हम कल पढ़ेंगे। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हमारे पास कैटलेज पॉजिटिव, तो हमने ऑलरेडी बता दिया कि जितनी भी स्पीशीज हैं स्टेफाइलोकोकस की, दे विल ऑलवेज बी कैटलेज पॉजिटिव। लेकिन जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है वो हमारे पास कॉगलेज पॉजिटिव भी होता है। अब इसका मतलब क्या है कॉगलेज पॉजिटिव का? इसका मतलब ये है, स्टेफ ऑरियस एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं कॉगलेज। वो एंजाइम हमारे पास बैक्टीरिया की सराउंडिंग में एक फाइब्रिन का क्लॉट प्रोड्यूस करता है। उस फाइब्रिन के क्लॉट की वजह से इट इज डिफिकल्ट फॉर आवर इम्यून सिस्टम टू एक्सेस एंड किल द बैक्टीरिया। तो स्टेफाइलोकोकस कोगलेज को यूज करता है एज अ वे टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम इम्यून सिस्टम। सबको बेटा समझ आई कोगलेज की? ये ना काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए मैं ना आपको अच्छे तरीके से समझाना चाह रहा हूँ। जरा गेम रिपीट करें पिछली स्लाइड रिपीट करूँ? जी। स्टेफलोकोकस ऑरियस एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं कॉगलेज। कॉगलेज का फंक्शन ये है कि ये एक फाइब्रिन क्लॉट प्रोड्यूस करता है अराउंड द बैक्टीरिया, विच मेक्स इट हार्ड फॉर आवर इम्यून सिस्टम टू एक्सेस एंड देन किल द बैक्टीरिया। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस यूज कॉगलेज एंजाइम एज अ वे टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम इम्यून सिस्टम, ठीक है। आगे जाके हम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के और भी फीचर्स पढ़ेंगे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस खुद को इम्यून सिस्टम से कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है। अभी हम जनरल फीचर्स की बात करें तो इट इज अ प्राइमरी पैथोजन, मतलब कि ये डायरेक्टली इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। प्राइमरी पैथोजन वो होता है जो कि डायरेक्टली इन्फेक्शन कॉज कर सके। सेकेंडरी पैथोजन वो होता है जिसे हमारे पास किसी दूसरे बैक्टीरिया के इन्फेक्शन पहले रिक्वायर होती है टू कॉज इट्स इन्फेक्शन, ठीक है। इनके हैबिटेट की बात करें तो ये हमारे पास नेयर्स, मतलब कि नोज, एक्जिला, ग्रोइन, वहाँ पर ये इट इज अ पार्ट ऑफ अ नॉर्मल नेचुरल फ्लोरा। नेचुरल फ्लोरा इट कैन प्रोड्यूस सुपरफिशियल टू सिस्टेमिक इन्फेक्शंस। इसमें हमारे पास पस पस या फिर पायोजेनिक इन्फेक्शन भी हो सकती हैं, इसमें टॉक्सिन मेडिएटेड इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं, विच वी विल कवर इन दिस लेक्चर। ये हमारे पास नॉन मोटाइल है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, कैटलेज पॉजिटिव हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये बैक्टीरिया ऑक्सीडेज नेगेटिव है। तो जब हम अगले लेक्चर्स में जाके पढ़ेंगे वहाँ आपको बताऊंगा ऑक्सीडेज टेस्ट क्या होता है। फिलहाल बस अब ये याद रखें कि स्टेफ ओरियस इज ऑक्सीडेज नेगेटिव। ये ग्लूकोज को फर्मेंट करते हैं, लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो ग्लूकोज को फर्मेंट करते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपने याद रखना है कि स्टेफ ओरियस ग्लूकोज के साथ सोर्बिटोल को भी फर्मेंट करता है। पूरी माइक्रो में आप सिर्फ दो बैक्टीरिया पढ़ेंगे जो सोर्बिटोल को फर्मेंट करते हैं। एक स्टेफ ओरियस है, एक इकोलाई है। और ये सवाल मैंने वाइवा में पूछा है, मोस्टली बच्चों ने आंसर नहीं दिया। तो ये इसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट आइडेंटिफिकेशन फीचर है कि अगर सोर्बिटोल को फर्मेंट कर रहा है और ग्राम पॉजिटिव है तो वो स्टेफाइलोकोकस ओरियस है, ग्राम नेगेटिव है तो वो इकोलाई है। उसके अलावा ये प्राइमरीली एरोबिक है, मतलब इट नीड्स ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एटीपी। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया फैकल्टेटिव एनारोबी हो सकते हैं। मॉर्फोलॉजी की बात करें, रिपीट कर दें। मैं बता एकुला रहा पूरी माइक्रो में हमारे जो कोर्स में सिर्फ दो बैक्टीरिया हैं जो सोर्बिटोल को फर्मेंट करते हैं, फर्मेंटेशन। उसमें एक हमारे पास स्टेफिलोकोकस ऑरियस है और दूसरा इकोलाई है। स्टेफिलोकोकस ऑरियस इज अ ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड इकोलाई इज अ ग्राम नेगेटिव रॉड। इकोलाई हम आगे जाके पढ़ेंगे।
ठीक है? यस सर। मॉर्फोलॉजी की स्पेलिंग बोल दो जी। SORBITOL सोर्बिटोल। सोर्बिटोल इज अ शुगर। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो एग्रीप्लेट बीन की मॉर्फोलॉजी कैसी होगी? स्टैफोरियस एग्रीप्लेट पे गोल्डन कलर की कॉजोनिस प्रोड्यूस करता है। अब बेटा ये भी स्टैफोरियस का बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन फीचर है। कुछ बैक्टीरिया हैं जो खास कलर की कॉजोनिस प्रोड्यूस करते हैं एंड वी यूज दैट फीचर एज अ वे टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया। फॉर एग्जाम्पल स्टैफोरियस हमारे पास प्रोड्यूस करता है गोल्डन कलर की कॉलोनीज। खास कलर क्या प्रोड्यूस करते हैं? सॉरी बेटा आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। सर आप बता रहे थे खास कलर की खास तरह की कुछ प्रोड्यूस करते हैं उसका नाम नहीं। हाँ मैं कह रहा हूँ गोल्डन कलर की कॉलोनीज। गोल्डन कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। गोल्डन कलर कॉलोनी प्रोड्यूस करेंगे ठीक है ब्लड डैगर के ऊपर। कुछ बैक्टीरिया हैं जो स्पेशल कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस करते हैं जिस तरह से स्टैफोरियस है ये हमारे पास गोल्डन कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है। आगे जाके आप पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया है सूडोमोनास आर्जिनोसा वो हमारे पास दो पिगमेंट प्रोड्यूस करता है पायोसाइनिन एंड पायोवर्डिन। उसमें हमारे पास ब्लू ग्रीन कलर होता है कॉलोनीज का तो हम इस कलर को यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। उसके अलावा एक बैक्टीरिया है सेरेशिया वो प्रोड्यूस करता है रेड कलर के पिगमेंट तो उसमें रेड कलर की कॉलोनीज होती हैं। अभी आप ये सब कुछ नोट ना करें ये सब कुछ हमने आगे जाके कवर करना है। फॉर द टाइम बीइंग आप ये याद रखें कि स्टैफोरियस गोल्डन कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस करेगा। स्टैफोरियस हमारे पास सोर्बिटोल को फर्मेंट करेगा। स्टैफोरियस कैटालेज पॉजिटिव है। स्टैफोरियस कोआगुलेज पॉजिटिव है ठीक है। सर ये दोबारा बता दें पॉजिटिव कौन सा और नेगेटिव कौन सा। मैं दोबारा बता देता हूँ स्टैफिलोकोकस ऑरियस कैटालेज पॉजिटिव है कोआगुलेज पॉजिटिव है गोल्डन कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस करेगा और सोर्बिटोल को फर्मेंट करेगा। ऑक्सीडेज नेगेटिव करेगा। ऑक्सीडेज नेगेटिव है तो ये बायवे का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों ने याद रखना है। अक्सर बच्चों को जब मैंने इस दफा पाइवा लिया ये उनको सवाल किसी को भी नहीं आ रहा था जब मैंने आपसे पूछना है कि मुझे स्टैफिलोकोकस ऑरियस के आइडेंटिफिकेशन फीचर्स बताएं तो आपने मुझे ये चार लाजमी बताने हैं। कैटालेज पॉजिटिव है कोआगुलेज पॉजिटिव है सोर्बिटोल को फर्मेंट करेगा गोल्डन कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस करेगा ऑन ब्लड टाइगर ठीक है बेटा। पांचवा स्टैफोरियस का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिफिकेशन फीचर है वो है हेमोलिसिस। स्टैफोरियस प्रोड्यूस करता है ब्लड एगर पे बीटा हेमोलिसिस। बीटा हेमोलिसिस क्या होती है? बीटा हेमोलिसिस होती है कंप्लीट हेमोलिसिस। अभी आप सिर्फ ये याद रखेंगे बीटा हेमोलिसिस क्या होती है। आगे जाके आपको मैं बीटा हेमोलिसिस अल्फा हेमोलिसिस और गैमा हेमोलिसिस की पिक्चर्स भी दिखाऊंगा और पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये एक्चुअली होती क्या है। स्टैफोरियस की अब गोल्डन कलर की कॉलोनीज क्यों होती हैं? स्टैफोरियस की गोल्डन कलर कॉलोनीज इसलिए होती हैं बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ पिगमेंट व्हिच इज कॉल्ड स्टेफाइलोएक्सैंथिन एंड बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट इट्स कॉलोनीज आर गोल्डन कलर्ड। ये आपको आप स्लाइड पे देख सकते हैं स्टैफोरियस की इस तरह से कॉलोनीज होंगी जब आप इसे कल्चर करेंगे ब्लड एगर पे। ये आप गोल्डन ह्यू देख सकते हैं यहाँ पर ये गोल्डन ह्यू है और ये जो है ये बीटा हेमोलिसिस है। बीटा हेमोलिसिस कम्प्लीट हेमोलिसिस होती है तो स्टैफोरियस की सराउंडिंग में यहाँ पर देखें कंप्लीट हेमोलिसिस है। ये सारी कंप्लीट हेमोलिसिस है और ये हमारे पास गोल्डन कलर कॉलोनी है। ये हमारे पास स्टैफोरियस के टिपिकल आइडेंटिफिकेशन फीचर्स हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें सिर्फ स्टैफोरियस की गोल्डन कलर की कॉलोनीज नजर आ रही हैं। यहाँ पे हमें हेमोलिसिस नजर नहीं आ रही। ये हमारे पास स्टैफिलोकोकस ऑरियस है। दिस इज स्टैफिलोकोकस एपिडर्माइडस। स्टैफिलोकोकस एपिडर्माइडस की कलर्ड कॉलोनीज नहीं होती और स्टैफोरियस की गोल्डन कलर कॉलोनीज होती हैं which helps us to differentiate स्टैफोरियस फ्रॉम अदर स्पीशीज ऑफ स्टेफाइलोकोकस। अब हम सेवरल इंपॉर्टेंट सेल वॉल कंपोनेंट और एंटीजेंस पढ़ेंगे स्टैफोरियस के और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि स्टैफोरियस एक्चुअली खुद को इम्यून सिस्टम से कैसे प्रोटेक्ट करता है और अपने विरुलेंस फैक्टर्स को यूज करते हुए कैसे डिजीज कॉज करते हैं।
स्टेफ वॉरियस का एक बहुत इंपॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर है प्रोटीन ए. प्रोटीन ए इज द मेजर प्रोटीन इन द सेल वॉल. इसका फंक्शन क्या है? आईजीजी एक एंटीबॉडी है जो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है. प्रोटीन ए उस आईजीजी एंटीबॉडी के एफसी पोर्शन को क्लीव करेगा, ठीक है, उस एफसी पोर्शन को फिर बैक्टीरिया के साथ अटैच करेगा. जब वो आईजीजी एंटीबॉडी के एफसी पोर्शन को क्लीव करेगा, उसकी वजह से हमारे पास कॉम्प्लीमेंट की फिर एक्टिवेशन नहीं हो सकेगी. नॉर्मली क्या होता है कि आईजीजी एंटीबॉडी बाइंड करती है बैक्टीरिया के साथ, और उस एंटीबॉडी का जो एफसी पोर्शन होता है वो एक्टिवेट करता है कॉम्प्लीमेंट को, और फिर वो कॉम्प्लीमेंट जाके बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है. अगर इस वक्त आप मेरी क्लास में थे तो आपको मैं पूरी डायग्राम बना के समझा देता, लेकिन अभी आप ऐसे ही समझने की कोशिश करें कि आईजीजी एंटीबॉडी एक बैक्टीरिया के साथ अटैच होती है. उस आईजीजी एंटीबॉडी का एफसी पोर्शन फिर कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करता है, और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होने के बाद उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है. लेकिन स्टेफ ओरियस का प्रोटीन ए क्या करेगा? स्टेफ ओरियस का प्रोटीन ए उस आईजीजी एंटीबॉडी का एफसी पोर्शन को ही सेपरेट करता है, और उस एफसी पोर्शन को बैक्टीरिया के साथ अटैच कर लेता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन नहीं हो पाती और बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता. सो प्रोटीन ए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर टू प्रोटेक्ट स्टेफ ओरियस फ्रॉम इम्यून सिस्टम. इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉगलेस एंजाइम है जो कि स्टेफ ओरियस को इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करता है. ये एक डायग्राम है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास प्रोटीन ए है. प्रोटीन ए ये उसने डायग्राम में ना इस तरह से शो किया हुआ है कि ये एफसी पोर्शन है. हालांकि ये एफसी पोर्शन नहीं है, ये पूरी एंटीबॉडी होती है. वैसे तो एफसी पोर्शन ये सिर्फ नीचे वाला पोर्शन होता है. एनीवेज ये एक डायग्राम है लाइक सिर्फ एज अ निमोनिक आपको दी हुई है कि ताकि आपको याद रह जाए कि ये स्टेफ ओरियस एंजाइम है, सॉरी ये हमारे पास प्रोटीन ए प्रोड्यूस कर रहा है. प्रोटीन ए आईजीजी एंटीबॉडी के एफसी पोर्शन को क्लीव करके अपने साथ अटैच कर रहा है, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन नहीं हो रही और स्टेफ ओरियस की डिस्ट्रक्शन नहीं हो रही. स्टेफ ओरियस का जो दूसरा तरीका है वो है कोगलेस एंजाइम की प्रोडक्शन. कोगलेस एंजाइम जब प्रोड्यूस होगा तो वो क्रिएट करेगा फाइब्रिन क्लॉट. फाइब्रिन क्लॉट की वजह से फिर इम्यून सिस्टम, देखें ये सारी ना एंटीबॉडीज दिखाई हुई हैं, तो फाइब्रिन क्लॉट की वजह से इम्यून सिस्टम स्टेफ ओरियस को एक्सेस नहीं कर पाएगा, और इस तरह से स्टेफ ओरियस खुद को इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करता है. इसके अलावा दो चीज़ें और हैं, वो स्टेफ ओरियस के टॉक्सिन्स हैं जो स्टेफ ओरियस प्रोड्यूस करके खुद को इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट कर सकता है. उसे हम कहते हैं हीमोलाइसिन और ल्यूकोसाइडिन. हीमोलाइसिन और ल्यूकोसाइडिन हम आगे जाके इस लेक्चर में पढ़ेंगे. बेटा अभी तक किसी सबको समझ आ रही है? यस सर. अगर कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन, ठीक है, अगर कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो, आपको समझ ना आए, तो आप मुझे रोक सकते हैं, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं. उसके अलावा स्टेफ ओरियस की सेल वॉल में होता है टिकोइक एसिड. टिकोइक एसिड आर द पॉलीमर्स ऑफ रिबिटोल फॉस्फेट, और इनका फंक्शन ये होता है दे मीडिएट द एडहेरेंस ऑफ बैक्टीरिया टू मिकोजल सेल्स. इनका फंक्शन सिर्फ अटैचमेंट या एडहेरेंस में है. लिपोटिकोइक एसिड की बात करें तो लिपोटिकोइक एसिड प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल बाय द प्रोडक्शन ऑफ IL-1/6 एंड TNF अल्फा फ्रॉम मैक्रोफेजिस. जब ये इंटरल्यूकन्स मैक्रोफेजिस से प्रोड्यूस होंगे दे कैन लीड टू सेप्टिक शॉक. सो लिपोटिकोइक एसिड प्ले अ रोल इन द इंडक्शन ऑफ सेप्टिक शॉक by inducing cytokines such as IL-1, IL-6 and TNF-alpha from macrophages. उसके बाद पॉलीसेक्रेट कैप्सूल है. पॉलीसेक्रेट कैप्सूल इज एन इम्पॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर, ठीक है. पॉलीसेक्रेट कैप्सूल हम डिफरेंट बैक्टीरियाज की डिफरेंट क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन बेटा आपने ना एक पॉइंट लाजमी याद रखना है कि जहाँ पे भी पॉलीसेक्रेट कैप्सूल आ जाए माइक्रोबायोलॉजी में, पॉलीसेक्रेट कैप्सूल के दो फंक्शन हैं. एक फंक्शन ये है कि पॉलीसेक्रेट कैप्सूल बैक्टीरिया की अटैचमेंट करवाएगा, और दूसरा फंक्शन ये है कि पॉलीसेक्रेट कैप्सूल फेगोसाइटोसिस को इनहिबिट करेगा. पॉलीसेक्रेट कैप्सूल आगे हम तकरीबन बहुत सारे बैक्टीरिया में पढ़ेंगे, जहां पे भी आप ये वर्ड सुने इसके दो फंक्शन है. पहला फंक्शन इसका ये है कि इट विल मीडिएट एडहेरेंस
टू फॉरन सर्फेसेस और टू द म्यूकोसल सेल्स, और दूसरा फंक्शन ये है कि इट विल इनहिबिट फेगोसाइटोसिस। उसके बाद स्टेफोरियस इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो सिंस इट इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो इसकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन भी होगा, और पेप्टाइडोग्लाइकेन का एंडोटॉक्सिन लाइक फंक्शन होता है। एंडोटॉक्सिन्स का फंक्शन बेसिकली ये होता है कि दे ऑल्सो प्ले अ रोल इन द इंडक्शन ऑफ सेप्टिक शॉक। अब हम स्टेफोरियस के एंजाइम्स की बात करेंगे। स्टेफोरियस डिफरेंट एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, कैटालेस एंजाइम और कोगुलेस एंजाइम तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे हाइलुरोनिडेज की और लाइपेजेस की। हाइलुरोनिडेज हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू और बेसमेंट मेम्ब्रेन में हाइलुरोनिक एसिड की ब्रेक डाउन करता है, एंड दिस अलाउज स्टेफोरियस टू स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। स्टेफोरियस की बेसिकली पहले एक लोकलाइज इन्फेक्शन होती है, जहां पर स्टेफोरियस की लोकलाइज इन्फेक्शन होगी वहां पर वो कनेक्टिव टिश्यू और बेसमेंट मेम्ब्रेन में हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक करेगा, और जब वो हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक करेगा वहां से फिर वो आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड कर सकता है। तो हाइलुरोनिडेज का फंक्शन क्या है? हाइलुरोनिडेज का फंक्शन ये है, इट हेल्प्स स्टेफोरियस इन स्प्रेडिंग इट्स इन्फेक्शन। लाइपेजेस का भी सिमिलर फंक्शन है। उसके अलावा लाइपेजेस हमारे पास कोलोनाइजेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि स्टेफोरियस की कोलोनाइजेशन कहाँ पे होती है। स्टेफोरियस की कोलोनाइजेशन हमारे पास नॉस्ट्रिल्स, एक्सिला, ग्रोइन में होती है। उसके अलावा स्टेफोरियस एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं बीटालैक्टमेज। बीटालैक्टमेज का फंक्शन बेसिकली होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में, ये भी हम इस लेक्चर के एंड पे डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा डीएनएज का फंक्शन डीएनए को डिग्रेड करना है। ये एक और डायग्राम है विच इज ऑल्सो अ निमोनिक जो आपको शो कर रही है कि स्टेफोरियस कैसे टिश्यूज के थ्रू डिस्टेंट इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। स्टेफोरियस एंजाइम प्रोड्यूस करता है हाइलुरोनिडेज, स्टेफलोकाइनेज और लाइपेज। इन एंजाइम्स के थ्रू स्टेफोरियस इन एंजाइम्स की मदद के थ्रू स्टेफोरियस कनेक्टिव टिश्यू और बेसमेंट मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करेगा, और वहां से फिर पूरी बॉडी में स्प्रेड कर सकता है, सेप्सिस कॉज कर सकता है। सर ये दोबारा बता दें, समझ नहीं आई इसकी। हाँ, स्टेफोरियस तीन एंजाइम प्रोड्यूस करता है, हाइलुरोनिडेज, स्टेफलोकाइनेज और लाइपेज। हाइलुरोनिडेज बेसिकली बेसमेंट मेम्ब्रेन और कनेक्टिव टिश्यू में हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक डाउन ब्रेक करता है, और जो लाइपेज है वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करते हैं। इन दोनों एंजाइम्स की वजह से अलोंग विद स्टेफलोकाइनेज, स्टेफोरियस लोकल जगह पे जहाँ पे उसकी इन्फेक्शन होगी वहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू को डिस्ट्रॉय करेगा, यहाँ से फिर वो ब्लड में एंटर होगा और फिर वो सेप्टिक शॉक कॉज करेगा। आप समझ आइए आपको? जी सर आ गई। अब हम बात करेंगे स्टेफोरियस कौन कौन से टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। तो स्टेफोरियस चार टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। एक हमारे पास एंटेरोटॉक्सिन है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन है जिसे हम TSST भी कहते हैं, एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन है और PV ल्यूकोसाइडिन है। हम इन सभी टॉक्सिन का फंक्शन आगे इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके अलावा स्टेफोरियस दो साइटोलिटिक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसमें एक हमारे पास अल्फा हीमोलाइसिन है। अल्फा हीमोलाइसिन RBC को डैमेज करेगा, प्लेटलेट्स को डैमेज करेगा, उसके अलावा सीवियर टिश्यू डैमेज कॉज कर सकता है। और जो हमारे पास बीटा हीमोलाइसिन है, बीटा हीमोलाइसिन RBCs की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्पिंगोमाइलिन एक्ट करता है, उसे डिस्ट्रॉय करता है और बीटा हीमोलिसिस प्रोड्यूस करता है। बीटा हीमोलिसिस इज कम्प्लीट हीमोलिसिस। और जो PV ल्यूकोसाइडिन इज अ पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन दैट किल सेल्स स्पेशली वाइट ब्लड सेल्स बाय डैमेजिंग देयर सेल मेम्ब्रेन। तो जो हमारे पास
अल्फा हिमोलाइसिन और बीटा हिमोलाइसिन है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं आरबीसीज को, और डब्ल्यूबीसी या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं हमारे पास पीपी ल्यूकोसाइडिन। फंक मैकेनिज्म दोनों का सेम है कि दोनों टॉक्सिन्स दोनों सेल्स की सेल मेम्ब्रेन अटैक करते हैं, उसे डैमेज करते हैं और उसके थ्रू इन सेल्स की डेथ कॉज करते हैं। तो आरबीसी ये वही डायग्राम है कि ये हमारे पास स्टैफोरिस दिखाया हुआ है वो प्रोड्यूस कर रहा है हिमोलाइसिन और ल्यूकोसाइडिन, हिमोलाइसिन ल्यूकोसाइडिन हमारे पास आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो अगर हम समराइज करें कि स्टैफोरिस खुद को इम्यून सिस्टम से कैसे प्रोटेक्ट करेगा तो उसमें चार चीज़ें आती हैं। उसमें हमारे पास प्रोटीन ए आती है, उसमें कॉगलेस एंजाइम आता है, उसमें हमारे पास पीवी ल्यूकोसाइडिन और हिमोलाइसिन आती है। मैं आपको बता रहा था कि स्टैफोरिस खुद को इम्यून सिस्टम से कैसे प्रोटेक्ट करेगा, उसमें चार चीज़ें आती हैं। उसमें प्रोटीन ए आएगी, उसमें हमारे पास कॉगलेस एंजाइम आएगा, उसमें हमारे पास हिमोलाइसिन और ल्यूकोसाइडिन आएंगे। ये हम दोबारा से एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं कि सेल स्टैफोरिस की सेल वॉल में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर हमेशा कैप्सूल या फिर पॉलीसेक्राइड कैप्सूल होगा आउटर मोस्ट लेयर। और मैंने आपको बताया कि पॉलीसेक्राइड कैप्सूल के हमेशा दो फंक्शन है। एक फंक्शन ये है कि इट मीडिएट एडहेरेंस टू फॉरेन सर्फेसेस और टू द फॉरेन सेलुलर और टू द म्यूकोसल सेल्स, और दूसरा फंक्शन ये है कि इट विल इनहिबिट फेगोसाइटोसिस। पेप्टाइडोग्लाइकेन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल और इसकी एंडोटॉक्सिन लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं। एंडोटॉक्सिन लाइक प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि इट प्लेज अ रोल इन द इंडक्शन ऑफ सेप्टिक शॉक। पॉलीसेक्राइड ए यहाँ पे टिकोइक एसिड का फंक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट्स फंक्शन इज मीडिएटिंग एडहेरेंस टू म्यूकोसल सेल्स। प्रोटीन ए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोटीन ए का फंक्शन ये है कि वो आईजीजी एंटीबॉडी के एफसी पोर्शन को क्लीव करेगा और उसको बैक्टीरिया के साथ अटैच करेगा, देयर बाय प्रिवेंटिंग द एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। उसके बाद साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन होती है, और उसके बाद ये क्लम्बिंग फैक्टर्स हैं। क्लम्बिंग फैक्टर्स हमने डिस्कस नहीं किए और इनका फंक्शन इतना वेल अंडरस्टूड नहीं है। अब स्टैफोरिस की ट्रांसमिशन कैसे होगी? जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि स्टैफोरिस कॉलोनाइज करता है नोज को, एक्जेला, ग्रोइन और उसके अलावा फेरिंग्स को, जिसकी ट्रांसमिशन हमारे पास होती है थ्रू हैंड कॉन्टैक्ट, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई स्किन की लीजन है तो उसकी शेडिंग के थ्रू उसकी ट्रांसमिशन हो सकती है। स्किन लीजन की शेडिंग के थ्रू और हैंड कॉन्टैक्ट के थ्रू स्टैफोरिस की ट्रांसमिशन होती है। उसके अलावा इन्फेक्टेड सूचर्स मतलब वोन इन्फेक्शन स्टैफोरिस कॉज कर सकता है, तो इन्फेक्टेड सूचर कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ स्टैफिलोकोकाय, क्योंकि स्टैफिलोकोकस आपकी स्किन के ऊपर प्रेजेंट है और अगर स्किन के ऊपर सूचर्स हैं तो वहाँ से भी स्टैफोरिस की इन्फेक्शन हो सकती है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात करें तो स्टैफोरिस हमारे पास जो डिजीज कॉज करता है उसे हम ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं तीन कैटेगरीज में। बायोजेनिक पस प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन है, टॉक्सिन मीडिएटेड इन्फेक्शन है, एंड द इन्फेक्शन दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट ऑर्गेन इन्वेजन। जो भी स्टैफोरिस की डिजीजेस हैं उन्हें हम तीन क्लासेस में ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं, बायोजेनिक या फिर पस प्रोड्यूसिंग, टॉक्सिन मीडिएटेड, और तीसरी जो हम आगे जाके पढ़ेंगे द इन्फेक्शन दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट ऑर्गेन इन्वेजन। पायोजेनिक डिजीजेज हमारे पास कौन कौन सी है? पायोजेनिक डिजीजेज या फिर पस प्रोड्यूसिंग डिजीजेज में हमारे पास बॉयल, फ्रंकल, एब्सेस, इम्पेटाइगो, कार्बंकल, वोन इन्फेक्शन और फॉलिकुलाइटिस आ सकता है। ये सभी हमारे पास स्किन इन्फेक्शन है। फॉलिकुलाइटिस, बॉयल, फ्रंकल और कार्बंकल में बेसिकली साइज का डिफरेंस होता है, और ये जब आप पिक्चर्स देखेंगे आपको तब इनकी बेसिकली आप पिक्चर्स देख के या फिर स्किन लीजन को देख के ये डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा इनके कोई खास फीचर्स नहीं होते। जो इनमें मेन डिफरेंस होता है फॉलिकुलाइटिस में, बॉयल में, फ्रंकल में और कार्बंकल में, वो डिफरेंस है साइज का। एब्सेस आपको पता है, एब्सेस इज अ लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस विच इज सराउंडेड बाय फाइब्रिन। एब्सेस इसलिए बनती है ताकि ये इन्फेक्शन को कंटेन कर सकें और पूरी बॉडी में स्प्रेड ना हो।
इम्पिटाइगो, इम्पिटाइगो हमारे पास होती है कि इम्पिटाइगो मोस्टली हमारे पास बच्चों में होती है। इम्पिटाइगो स्टेफ ओरियस के अलावा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनेस भी कॉज कर सकता है, और इम्पिटाइगो में इम्पिटाइगो में फेस और बिहाइंड द ईयर्स हमारे पास हनी कलर्ड लीजन्स होंगी, हनी कलर्ड लीजन्स या फिर गोल्डन कलर्ड लीजन्स होंगी। ये सभी स्किन इन्फेक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास फॉलिकुलाइटिस है एंड दिस इज अ कार्बंकल। इन सब में साइज का डिफरेंस होता है। तो बेटा आप सब ने आपने ना बॉयल, फ्रंकल, कार्बंकल और फॉलिकुलाइटिस इनकी पिक्चर्स देखनी है गूगल इमेजेस पे, वहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि क्या होती हैं। उसके अलावा एब्सेस मैंने आपको बता दिया है, इम्पिटाइगो भी आपको मैंने बता दिया। इम्पिटाइगो मोस्टली बच्चों में होता है। इट इज कॉज्ड बाय स्टेफ ओरियस एज वेल एज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनेस, जिसे हम ग्रुप ए स्ट्रेप भी कहते हैं। इम्पिटाइगो में बेसिकली फेस या बिहाइंड द ईयर हमारे पास हनी कलर्ड लीजन्स या फिर गोल्डन कलर्ड लीजन्स होंगी। इट इज अ रिलेटिवली माइल्ड स्किन इन्फेक्शन, लेकिन ये बहुत ज्यादा कंटेजियस होती है। समझ आ गई बेटा इम्पिटाइगो की? यस सर। अब हम बात करते हैं टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीजेस की। ये जो हमने सारी स्किन इन्फेक्शंस डिस्कस की हैं, ये हमारे पास पायोजेनिक या फिर पस प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शंस हैं। अब हम बात करेंगे टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीजेस की। स्टेफ ओरियस में मैंने आपको बताया था चार टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, उसमें एंटेरोटॉक्सिन है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन है, एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन है, और साथ में हमारे पास चौथा टॉक्सिन था हमारे पास आई थिंक पीवी ल्यूकोसाइडिन। यस सर। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये तीन टॉक्सिन कौन कौन सी डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। जो हमारे पास एंटेरोटॉक्सिन है, एंटेरोटॉक्सिन हमारे पास कॉज करेगा फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग, स्टेफलोकोकल फूड पॉइजनिंग इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एंटेरोटॉक्सिन। ये हमारे पास प्री फॉर्म्ड टॉक्सिन होते हैं। ये जो टॉक्सिन होता है बेटा, ये हीट रेजिस्टेंट होता है। तो मतलब अगर किसी फूड में स्टेफोरियस का बैक्टीरिया प्रेजेंट है और वो अपना टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, जिसे हम एंटेरोटॉक्सिन कहते हैं, तो जब आप उस फूड को कुक करेंगे तो उस कुकिंग से बैक्टीरिया की डेथ तो हो जाएगी, लेकिन टॉक्सिन डिस्ट्रॉय नहीं होगा। सो एज सून एज यू कंज्यूम दैट फूड, इट विल लीड टू फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग में साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे हमारे, उसमें हमारे पास फीवर, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया हो सकता है। ये रिलेटिवली सेल्फ लिमिटिंग होती है और पेशेंट एक से दो दिन में कम्प्लीटली रिकवर कर जाता है। और जो हमारे पास हाई रिस्क फूड है, जहाँ से स्टेफ ओरियस या फिर स्टेफ ओरियस की टॉक्सिन की ट्रांसमिशन हो सकती है, वो हमारे पास है मीट मिक्सिस, जिनमें हमारे पास मीट या फिर चिकन सैलड आ जाएगा, स्पेशली विद मेयोनेज। उसके अलावा हमारे पास मिल्क क्रीम या फिर पुडिंग्स में भी स्टेफ ओरियस प्रेजेंट हो सकता है। दूसरा है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। ये जो हमारे पास टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन या फिर TSST है, ये हमारे पास एक सुपर एंटीजन होता है। सुपर एंटीजन बेसिकली बेटा इम्यून सिस्टम की ओवर एक्टिवेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा साइटोकाइंस प्रोड्यूस होती हैं, उसे कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। इट इज कोडेड बाय क्रोमोसोमल एलिमेंट। और इसमें पेशेंट को साइन और सिम्टम्स क्या होंगे, इसमें पेशेंट को फीवर होगा, डायरिया होगा, शॉक होगा, ठीक है, शॉक का मतलब हाइपोटेंशन होगी, साथ में पेशेंट को टैकीकार्डिया होगा। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो होगी एरिथेमेटस स्किन रैश, मतलब एक रेड स्किन रैश होगी जिसकी स्केलिंग होगी। डिसएक्विमेट का मतलब है स्केलिंग होगी। तो इसमें हाई फीवर होगा, डायरिया होगा, शॉक होगी, रेड स्किन रैश विद स्केलिंग, और एंड पे मल्टी ऑर्गन फेलियर और उसे डेथ हो सकती है। ये एक डायग्राम है जो कि आपको स्टेफ ओरियस के टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के फीचर्स याद रखने में हेल्प करेगी। इसमें पेशेंट को फीवर होगा, सेप्टिक शॉक हो सकता है, डिफ्यूज एरिथेमेटस या फिर रेडिश स्किन रैश होगी, पाम और सोल्स पे उस रैश से स्केलिंग होगी, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है। और अगर आप इसे ट्रीट नहीं करेंगे तो पेशेंट को मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है और उसके पेशेंट की डेथ हो सकती है। जो तीसरा है वो हमारे पास है स्कालियर स्किन सिंड्रोम। जो स्कालियर स्किन सिंड्रोम है, इट इज कॉज्ड बाय एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन A एंड B।
जो सेफोरियस स्कारलेट स्किन सिंड्रोम है ये रिलेटिवली माइल्ड स्किन इन्फेक्शन है, इसमें सिर्फ स्किन की स्लफिंग ऑफ होती है और ये मोस्टली बच्चों में होती है। इट इज़ अ डिजीज ऑफ यंग चिल्ड्रन, इट इज मीडिएटेड थ्रू माइनर स्टेफलोकोकल इन्फेक्शन बाय एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन। टॉक्सिन ए इज इनकोडेड बाय क्रोमोसोम एंड टॉक्सिन बी इज इनकोडेड बाय प्लाज्मिड। और ये टॉक्सिन करेगा क्या, ये टॉक्सिन जो स्किन की एक लेयर होती है एपिडर्मिस उसमें जाके म्यूकोपॉलीसेकेराइड मैट्रिक्स को डिसॉल्व करेगा जिसकी वजह से स्किन की स्लफिंग होगी। ये हमारे पास टिपिकल प्रेजेंटेशन है स्टेफोरियस स्कारलेट स्किन सिंड्रोम की एंड इट इज कॉज्ड बाय एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन ए एंड बी। बेटा आप सब बहुत खामोश हैं, सो रहे हैं या समझ नहीं आ रही? सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं सर, समझने वाला नहीं है, बस रीडिंग वाला मटेरियल है तो इसलिए। चलो ठीक है। अच्छा अब हम दो कैटेगरीज डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास पायोजेनिक या फिर पस प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन कौन से हैं, जिनमें हमारे पास फॉलिकुलाइटिस था, फ्रंकल, कारबंकल, इम्पिटाइगो, एब्सेस वगैरह थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज कौन सी हैं, उसमें हमारे पास थी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, स्कारलेट स्किन सिंड्रोम और फूड पॉइजनिंग। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिजीजेस दैट कैन अकर फ्रॉम स्टेफोरियस एज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट ऑर्गन इन्वेजन। डायरेक्ट ऑर्गन इन्वेजन से स्टेफोरियस में कौन सी डिजीज, स्टेफोरियस कौन सी डिजीजेस कॉज कर सकता है। उसमें स्टेफोरियस हमारे पास मेनिनजाइटिस या फिर ब्रेन एब्सेस कॉज कर सकता है, एंड एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज कर सकता है, उसके अलावा निमोनिया, ऑस्टियोमायलाइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस और स्किन इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है। बेटा आपको पता है कि मेनिनजाइटिस में पेशेंट को क्या साइन और सिम्टम्स होंगे? फिर फीवर होता है। अच्छा, और सर नेक जो है फॉरवर्ड बेंड हो जाती है, सर हेडेक्स वगैरह, हेडेक वगैरह, हेडेक्स होती हैं। इसमें हमारे पास पेशेंट को फीवर होगा, हेडेक होगी, न्यूकल रिजिडिटी। न्यूक्लियर रिजिडिटी मतलब कि आपके जो नेक के मसल्स हैं वो रिलेटिवली स्टिफ हो जाते हैं। वो स्टिफ क्यों होते हैं? वो स्टिफ इसलिए होते हैं क्योंकि मेनिंजीज की इरिटेशन होती है, उसकी वजह से नेक के मसल स्टिफ हो जाते हैं। जैसे इसमें हमारे पास ये टिपिकल साइन एंड सिम्टम्स है। उसके अलावा पेशेंट को फोटो सेंसिटिविटी हो सकती है, ठीक है। जो हमारे पास एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, इसमें पेशेंट को फीवर होगा, एक हार्ट का मर्मर होगा, हार्ट का मर्मर स्टेफोरियस में, माइट्रल रिकर्जिटेशन भी हो सकता है, ट्राइकस्पिड रिकर्जिटेशन भी हो सकता है। उसके अलावा पेशेंट को रॉथ स्पॉट्स हो सकते हैं, रॉथ स्पॉट्स हमारे पास पेशेंट की आईज में होते हैं। उसके अलावा ऑसलर नोड्स हो सकते हैं, ऑसलर नोड्स हमारे पास पेनफुल नोड्स होते हैं ऑन फिंगर्स एंड टोज। और जेनवेल लीजन्स हो सकती हैं, जेनवेल लीजन्स हमारे पास होती हैं पेनलेस एरिथेमाटस रैश ऑन पाम एंड सोल। हाँ, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो सकता है। उसके अलावा पेशेंट को अनेमिया हो सकते हैं, नेल बेड हेमरेजेस हो सकते हैं, सेप्टिक एम्बोलिक इवेंट्स हो सकते हैं, तो ये जॉइंट पेन हो सकती है। हाँ बेटा, जॉइंट पेन तो लगता हो सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्यूट एंडोकार्डाइटिस में क्लिनिकल पिक्चर कैसी होती है। उसके बाद निमोनिया हो सकता है, निमोनिया तो आप सबको पता ही होगा कैसे प्रेजेंट करता है, ठीक है। ऑस्टियोमायलाइटिस में पेशेंट को सीवियर, जिस बोन पे इन्फेक्शन होगी ना वहाँ पे सीवियर पेन होगी। और सेप्टिक आर्थराइटिस हो सकता है, जॉइंट किसी एक स्पेसिफिक जॉइंट को इन्वॉल्व कर सकता है, और स्किन इन्फेक्शन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम स्टेफोरियस का ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि स्टेफोरियस कौन कौन सी ड्रग्स रेजिस्टेंस डिवेलप कर चुका है। अगर तो पेशेंट को पायोजेनिक या फिर पस प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन है तो आप लोकलाइज्ड एरिया को ड्रेन करेंगे, ठीक है, इन्फेक्टेड एरिया को आप ड्रेन करेंगे। अगर पेशेंट को डीप मेटास्टेटिक इन्फेक्शन है तो आप उसमें पेशेंट को पेंसिलिन देंगे, सेफलोस्पोरिन्स भी दे सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन और क्लिंटामाइसिन भी दी जा सकती है। और अगर पेशेंट को स्टेफोरियस की वजह से एंडोकार्डाइटिस है तो उसमें आप पेंसिलिन के साथ अमाइनोग्लाइकोसाइड सकते हैं। आप लोगों ने फार्मा पढ़ ली है? चले आप फार्मा में पढ़ेंगे कि जो हमारे पास पेंसिलिन ड्रग्स होती हैं, पेंसिलिन हमारे पास होता है बीटा लैक्टम रिंग, ठीक है। तो स्टेफोरियस एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, उसे हम कहते हैं बीटा लैक्टमेज।
जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम है वो पेंसिलिन ड्रग का बीटा लैक्टम रिंग डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से ड्रग हमारे पास इनएफेक्टिव हो जाती है. एंड दैट इज हाउ स्टाफ ओरियस डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेंसिलिन्स. जो स्टाफ ओरियस के लिए मोस्ट इफेक्टिव पेंसिलिन है वो हमारे पास है मेथसिलिन और नेप्सिलिन. और अगर स्टाफ ओरियस इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर ले तो उसे फिर हम कहते हैं मेथसिलिन रेजिस्टेंस स्टाफ ओरियस या फिर मरसा. और जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम है इसकी जीन मोस्टली प्रेजेंट होती है प्लाज्मिड पे, और डिफरेंट एंजाइम्स आपस में प्लाज्मिड एक्सचेंज कर सकते हैं थ्रू कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन. कॉन्जुगेशन ट्रांसडक्शन बेसिकली बैक्टीरिया बेसिकली स्टाफ ओरियस और डिफरेंट बैक्टीरियाज में इट इज काइंड आप कह सकते हैं कि कॉन्जुगेशन. आपको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ बेटा, आप ऐसे कह सकते हैं कि दैट इज हाउ बैक्टीरिया चेंज देयर एक्सचेंज देयर जीन्स. आपने पहले माइक्रोबायोलॉजी में मेरे ख्याल में पढ़ी होगी कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन. यस सर पढ़ी हुई है ना, तो बस ठीक है. इनका पूरा प्रोसेस आपको याद होगा कि लाइक पिलाए आपस में कॉन्टेक्ट करते हैं, ठीक है. फिर जो प्लाज्मिड होता है उसकी एक कॉपी डेवलप होती है, फिर एक कॉपी ट्रांसफर होती है दूसरे बैक्टीरिया को, दैट इज कॉन्जुगेशन. और जो ट्रांसडक्शन होती है, ट्रांसडक्शन हमारे पास वायरस के थ्रू होती है. कौन से वायरस के थ्रू होती है याद है आपको? भूल गए सब कुछ? बेटा किसी को नहीं याद ट्रांसडक्शन क्या होती है, कैसे होती है? सर वो वायरस भूल गया है, उसकी शेप वो क्रिस्टल जैसी होती है, उसकी टांगे होती है, याद नहीं आ. हाँ उसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज ठीक. हाँ बैक्टीरियोफेज दो तरह के साइकल्स होते हैं, एक लिटिक होता है एक लाइसोजेनिक होता है. तो ट्रांसडक्शन लिटिक के थ्रू भी हो सकती है, लाइसोजेनिक के थ्रू भी हो सकती है. दो डिफरेंट टाइप्स हैं ट्रांसडक्शन की आगे फर्दर, जो आपने पहले तो पढ़ी थी लेकिन अब आपको भूल चुकी हैं. और कॉन्जुगेशन तो एक सिंपल सा प्रोसीजर है कि उसमें दो बैक्टीरिया होते हैं आपस में अपने पिलाए अटैच करते हैं, एक पाथवे डेवलप होता है दोनों बैक्टीरियाज में, और फिर एक बैक्टीरिया जिसमें प्लाज्मिड होता है वो अपने प्लाज्मिड की एक कॉपी डेवलप करता है और फिर उस कॉपी को दूसरे बैक्टीरिया तक ट्रांसफर कर देता है, दैट इज कॉन्जुगेशन. अच्छा तो हम बात कर रहे थे कि बीटा लैक्टमेज होता कहाँ पे. बीटा लैक्टमेज होता है प्लाज्मिड पे. बीटा लैक्टमेज की जो जीन होती है वो होती है प्लाज्मिड पे, और प्लाज्मिड आपस में बैक्टीरिया एक्सचेंज कर सकते हैं थ्रू कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन. प्लाज्मिड जब ट्रांसफर हो जाएगा तो वो प्रोड्यूस करेगा बीटा लैक्टमेज एंजाइम, और जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम है वो पेंसिलिन के बीटा लैक्टम रिंग को डिस्ट्रॉय करेंगे. एंड दैट इज हाउ स्टाफ ओरियस डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेंसिलिन. जो स्टाफ ओरियस के लिए मोस्ट इफेक्टिव पेंसिलिन है वो हमारे पास मेथसिलिन और नेप्सिलिन है. और अगर स्टाफ ओरियस मेथसिलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर ले तो इसे कहते हैं मेथसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफ ओरियस. अब स्टाफ ओरियस एक और तरीका है जिसके थ्रू वो पेंसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं, वो है हमारे पास पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स. बेसिकली ऐसे होता है कि जब पेंसिलिन आपकी बॉडी में एंटर होती है और बैक्टीरिया तक पहुँचती है तो वो बैक्टीरिया की सेल वॉल पर जाके पेंसिलिन जो ड्रग है वो अटैच होती है पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ. जब ड्रग पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ अटैच होगी फिर वो ड्रग बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर होगी, ठीक है. तो अगर स्टाफ ओरियस ने अपनी पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन ही चेंज कर ली है तो उससे फिर ड्रग ना तो अटैच होगी ना बैक्टीरिया के अंदर जा सकेगी. तो स्टाफ ओरियस इस तरीके से भी अपनी रेजिस्टेंस डेवलप कर सकता है. और जो पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन में ऑल्ट्रेशन आती हैं दे अकर थ्रू मैक ए जीन विच इज प्रेजेंट ऑन बैक्टीरियल क्रोमोसोम. इसके अलावा स्टाफ ओरियस का एक और तरीका है, जो तीसरा तरीका है जिसके थ्रू स्टाफ ओरियस अपने रेजिस्टेंस डेवलप कर सकता है अगेंस्ट पेंसिलिन, वो ये है कि स्टाफ ओरियस अपने सेल मेम्ब्रेन के अंदर अपने सेल वॉल के अंदर एक पंप डेवलप करता है और वो पंप एक्टिवली पेंसिलिन को बैक्टीरियल सेल के अंदर से पकड़ के बाहर फेंकेगी, मतलब कि पेंसिलिन को एक्सक्रीट करेगी फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल. तो अगर आपसे पूछे कि स्टाफ ओरियस पेंसिलिन रेजिस्टेंस कैसे डेवलप कर सकता है तो तीन तरीके हैं. बीटा लैक्टमेज एंजाइम की प्रोडक्शन हो सकती है. बीटा लैक्टमेज एंजाइम की प्रोडक्शन हमारे पास होगी थ्रू प्लाज्मिड. उसके अलावा पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन में ऑल्ट्रेशन आ सकती है. पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन में ऑल्ट्रेशन आएंगी थ्रू मैक ए जीन ऑन क्रोमोसोम.
उसके अलावा स्टेफोरेस एक पंप डेवलप कर सकता है विच कैन एक्सक्रीट द ड्रग फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल. बेटा समझ आई है कि स्टेफोरेस कैसे रेजिस्टेंस डेवलप कर सकता है? यस सर. चलें फिर एक बच्चा रिपीट कर दे कैसे डेवलप कर सकता है स्टेफोरेस. सर बीटा लैक्टमेज जो एंजाइम वो प्लास्मिड के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस होगा तो उसके थ्रू हो सकता है. और पेंसिलिन बाइंडिंग जो प्रोटीन्स हैं वो सेल वॉल के ऊपर होंगी तो उसके साथ पेंसिलिन ना के अटैच होके अगर सेल वॉल अपनी चेंज कर ले बैक्टीरिया तो भी उसके ऊपर पेंसिलिन असर नहीं करेगी. तीसरी चीज जो है वो पंप डिवेलप कर लेता है जो कि बैक्टीरिया के बीच में जो पेंसिलिन होती है उसे बाहर निकाल देता है. बिल्कुल मर्सा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अगर स्टेफोरियस किसी एक तरीके से भी पेंसिलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर ले या फिर मेथिसिलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर ले तो फिर हम कहते हैं मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफोरियस या फिर मर्सा. तो मर्सा को आप फिर ट्रीट कैसे करेंगे? मर्सा को आप फिर ट्रीट करते हैं थ्रू वैंकोमाइसिन. वैंकोमाइसिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मर्सा इन्फेक्शन. लेकिन स्टेफोरियस वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस भी डेवलप कर सकता है और वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्पीशीज स्टेफोरियस की आइडेंटिफाई हो चुकी हैं. तो अगर हमारे पास वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस स्टेफोरियस या फिर हमारे पास वर्सा है तो फिर उसको आप ट्रीट कैसे करेंगे? वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफोरियस को फिर आप ट्रीट करेंगे थ्रू लिनाजोलेट और डेप्टोमाइसिन. लिनाजोलेट और डेप्टोमाइसिन ये दोनों ड्रग्स आप फार्मा में होपफुली पड़ेंगे. और जो वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस के लिए जीन होता है मैके जीन. और मैके जीन हमारे पास एंटीरोकोकाई में सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ था. एंड हाइपोथेसिस यही है कि जो मैके जीन है वो एंटीरोकोकाई से स्टेफोरेस में ट्रांसफर हुआ है थ्रू कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन. और उसके थ्रू स्टेफोरेस में वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफोरेस वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफोरेस स्पीशीज डेवलप हुई हैं. मेरा सब कुछ समझ आई है कि स्टेफोरियस के लिए जो सबसे पहले हम ड्रग यूज़ करते हैं वो है मेथिसिलिन या फिर नेफसलिन. अगर मेथिसिलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए, अगर मर्सा स्पीशीज डेवलप हो जाए तो फिर उसके लिए हम यूज़ करते हैं वैंकोमाइसिन. और अगर वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस स्टेफोरियस स्पीशीज डेवलप हो जाए तो फिर उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेप्टोमाइसिन और लिनाजोलेट. बेटा यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म हो गया. अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको समझ आ गई है? एक्सक्यूज मी सर. जी सर, इसके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो आप काइंडली हमें गाइड कर दिए करेंगे साथ साथ के किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है जो भी आपने पढ़ाया. बेटा अभी आपको मैंने बताया ना कि एंडोकार्डिटिस की प्रेजेंटेशन किस तरह से होगी, मेनिनजाइटिस की प्रेजेंटेशन किस तरह से होगी. तो आपके स्नैरियो में क्वेश्चन इस तरह से होंगे कि मेनिनजाइटिस को आपका मैं पूरी दूंगा क्लिनिकल पिक्चर कि एक पेशेंट आया आपके पास, उसे फीवर है, हेडेक है, न्यूक्लियर रिजिडिटी है, फोटोसेंसिटिविटी है, ठीक है. आप वहाँ से पहुँच जाएंगे कि ठीक है इस पेशेंट को मेनिनजाइटिस है. फिर आपको मैं दूंगा आइडेंटिफिकेशन फीचर कि हमने एक बैक्टीरिया आइसोलेट किया है, वो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, ब्लड अगर भी उसकी गोल्डन कलर की कॉलोनीज हैं या फिर वो बीटा हेमोलिटिक है या फिर वो कैटलाइज कोगुलेस पॉजिटिव है, तो वहाँ से आप पहुँचेंगे दिस इज स्टेफोरियस. तो इस तरह के आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे. और फिर आपसे मैं स्टेफोरियस के बारे में कुछ पूछ लूँगा कि लाइक स्टेफोरियस को आप ट्रीट किस तरह से करेंगे, तो आप मुझे बताएंगे कि पेंसिलिन के थ्रू कर सकते हैं, अगर मर्सा है तो वैंकोमाइसिन के थ्रू कर सकते हैं, अगर वर्सा है वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफोरियस है तो फिर आप डेप्टोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं. इस तरह के आपके क्लिनिकल सिनेरियोज होंगे. सर रिकॉर्डिंग कब तक मिलेगी? रिकॉर्डिंग आपको आज या कल मिल जाएगी. मैंने आपको बताया था कि आपकी मैं रिकॉर्डिंग सैटरडे को अपलोड किया करूंगा. लाइक आपके हफ्ते में दो क्लासेस होने करनी है, ट्यूसडे को और फ्राइडे को, और सैटरडे को आपको दोनों की रिकॉर्डिंग्स मिल जाया करेंगी. गूगल ड्राइव का लिंक मैं सबको ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ और LMS पे भी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं. सर आप प्लीज़ काइंडली बता दें कि हमारी क्लास किस टाइम पे हुआ करेगी, क्योंकि आज 12 बजे थी ना लेकिन 11 बजे की स्टार्ट हो गई है, पता नहीं था हमें. बेटा आज आपकी क्लास 12 बजे की नहीं थी, आप स्क्रीन तो आप देख ही रही हैं,
ये देखें, रमजान टाइमिंग के अकॉर्डिंग के लिए फिफ्थ स्लॉट बनती है 12 बजे, ठीक है। और ये आपकी ट्यूसडे को क्लास 12 बजे ही होती है, लेकिन जो फ्राइडे की टाइमिंग्स हैं उसमें फिफ्थ स्लॉट हमारे पास 11 बजे है। ओके सर, थैंक यू। तो आपकी क्लास 11 बजे ही थी। अच्छा बेटा, आपने ना अब आज तो मैं सबकी अटेंडेंस लगा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है या जैसे भी आप लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, आप सबको इन्फॉर्म कर दें कि नेक्स्ट टाइम आपकी अटेंडेंस हो, पहले आपकी अटेंडेंस होगी, ठीक है, शुरू में। तो आपने एक तो क्लास टाइम पे ज्वाइन करनी है, लेट नहीं आना। अगर किसी की अटेंडेंस रहेगी ना तो फिर मैं बाद में नहीं लगाया करूँगा। ओके सर, ठीक है। सर आप कुछ शुरू वाली कुछ स्लाइड्स रिपीट कर सकते हैं सर? एक्चुअली पता नहीं चला था, थोड़ा लाइट का इशू था और लाइट नहीं थी इस वजह से। बेटा एक्चुअली हमारा ना टाइम खत्म हो गया, तो आपको मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। ओके सर, अदरवाइज मैं रिपीट कर देता लेकिन टाइम खत्म हो गया हमारी क्लास का। कोई क्वेश्चन है बेटा या क्लास एंड करें? नो सर, अल्लाह हाफिज। बस आपने नेक्स्ट क्लास में टाइम पे आना है, पहले अटेंडेंस लूंगा और फिर मैं लेक्चर शुरू किया करूंगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।